गुड्डन ने, हमारी गुड्डन जो है वो एक सीरियस और स्ट्रिक्ट सास बनने की कोशिश कर रही हैं, और इसी के चलते उन्होंने अपनी बहुओं को भैया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जेल में नहीं घर में आटा पीसने का काम दिया था। लेकिन बहुएं भी ऐसी निकम्मी कि पीसते पीसते आटा सो गई। अब बेचारी सास कर रही हैं उनके हिस्से का काम। सास और बहू चक्की पेसिंग पेसिंग और पेसिंग। अब इस गेहूं की बोरी में 50-100 किलो से भी ज्यादा गेहूं नजर आ रहा है, और इस गेहूं को गुड्डन की बहुएं आज पीस कर आटा बनाएंगी। अब कोमल कोमल हाथ जिससे वो अपना मेकअप करती हैं, आज उन्हीं हाथों से चक्की पीसनी पड़ेगी। घर में एंट्री करती है एक सख्त सास के रूप में, तो उसी टाइम बोल देती है कि आपको मेरे ये सारे नियम, तो नियमों की भी लिस्ट है, एक ये फॉलो करना है, ये करना है, तो जो नहीं करेगा उस बहू को सजा दी जाएगी। गुड्डन की किस्मत तो देखिए, कहने को वो सासू माँ है, लेकिन फिर भी घर में उसको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो बहू रानियों को करना चाहिए। हालांकि घर में चक्की पीसने का काम खुद गुड्डन ने अपनी बहुओं को दिया था, और उसे पता था कि बहुएं ये काम कर ही नहीं सकती, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उसने जिम्मेदारी दी बहुओं को चक्की पीसने की, लेकिन बहुएं चक्की पीसते पीसते सो गई, और इसमें बुआ जी भी शामिल थी। काम कर लिया हमने कि मतलब हमारी तबीयत खराब हो गई है एकदम, हम वीकनेस आ गया है, हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, मतलब आटा उड़ उड़ के अंदर पहुंच गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है, हाथ में आटा लगा हुआ है। जिंदल खानदान की बहुएं ऐसा करेंगी तो शोभा नहीं देता ना। शाबाश बहू, शाबाश, इतना सिखाया हमने, कर दिखाया। अब क्या कहना है तेरा गुड्डन, तेरी बहुओं ने सब काम कर दिखाया हमारी सोच से। अब क्या पता बुआ जी को कि ये काम बहुओं ने नहीं बल्कि गुड्डन ने किया है। आटा पीसते पीसते ये सारी बहुएं सो गई थी, तभी वहाँ गुड्डन पहुँची दादी के साथ, और ये काम गुड्डन ने चुटकी में कर दिया। अब भी गुड्डन है ये, इससे सब कुछ हो पाता है, और ये कर भी देती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।